कुलदीप बिश्नोई को मनाने दिल्ली पहुंची हरियाणा सीएम, ब्रेकफास्ट टेबल पर हुई चर्चा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से टिकट न मिलने से नाराज कुलदीप बिश्नोई को मनाने के लिए भाजपा ने कवायद शुरू कर दी है, जिसका जिम्मा खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उठाया है। सीएम गुरुवार को दिल्ली स्थित बिश्नोई हाउस में कुलदीप बिश्नोई से मिलने पहुंचे। यहां सीएम ने बिश्नोई परिवार के साथ ब्रेकफास्ट किया। इस मौके पर कुलदीप की पत्नी रेणुका और बेटे व आदमपुर से भाजपा विधायक भव्य बिश्नोई भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी एवं संगठन महामंत्री सुरेंद्र पूनिया का दिल्ली आवास पर आगमन हुआ। लोकसभा चुनाव सहित कई विषयों पर उनके साथ विस्तृत सकारात्मक चर्चा हुई। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं शुरू से ही भाजपा के साथ हूँ। हिसार में चुनाव प्रचार को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हिसार से बीजेपी को जिताएंगे। प्रदेश में बीजेपी के लिए एक तरफा माहौल बना हुआ है। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने नाश्ते पर बुलाया था, हमारे बीच कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस मैदान में उतरने से डर रही है, भव्य बिश्नोई आने वाले समय के नेता हैं। हिसार से रणजीत चौटाला को टिकट देने के बाद हलचल शुरू हुई। कुलदीप बिश्नोई हिसार सीट से भाजपा की टिकट के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उनकी जगह पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्दलीय विधायक और नायब सैनी सरकार के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दे दी है। इसके बाद कुलदीप, भव्य ने न केवल भाजपा उम्मीदवार से दूरी बना ली, बल्कि कुलदीप ने सोशल मीडिया पर भी ये लिखा कि वे कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं, इससे उनके पार्टी छोड़ने के संकेत सामने आने लगे। नाराजगी जाहिर कर चुके कुलदीप। रणजीत सिंह चौटाला की टिकट फाइनल होने के तुरंत बाद ही भव्य बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर लिखा, राजनीति में आपकी लोकप्रियता ही अक्सर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक वीडियो जारी कर नाराजगी जाहिर की। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने टिकट न मिलने से समर्थकों के मायूस होने की बात कही, लेकिन असल में यहां उनकी मायूसी नजर आई। जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई भाजपा उम्मीदवार रणजीत चौटाला के दफ्तर के उद्घाटन में नहीं पहुंचे। वहीं भव्य के प्रचार के लिए भाजपा ने शेड्यूल जारी किया था, लेकिन उन्होंने भी प्रचार से इनकार कर दिया। रणजीत चौटाला के प्रचार से दूरी बना, दोनों पिता पुत्र घर बैठे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।